फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केम के। और आज जो मैं आप लोगों के साथ में वीडियो शेयर करने वाली, तो आज का जो टॉपिक है ना बहुत ज़्यादा अलग होने वाला है, क्योंकि प्रेगनेंसी में आप लोगों ने ये बहुत जान लिया कि आपको क्या खाना चाहिए, आपने ये जान लिया आपको कैसे रहना चाहिए, आपने ये भी जान लिया कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या क्या नहीं करनी चाहिए। अब बहुत ही खास टॉपिक मैं लेकर आई हूँ, क्योंकि ना मुझे ऐसा लगता है कि कई जो वुमेंस होती है इस चीज़ को लेकर उनके दिमाग में ये सारे इशूज चलते होंगे, और बहुत ज़्यादा मेंटली एंड फिजिकली आपके दिमाग के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो कि कुछ सेलेक्टिव टॉपिक्स होते हैं जिनके ऊपर में वुमेंस बहुत ज़्यादा सोचती हैं, और उसके बाद क्या होता है कि उनको प्रेगनेंसी में वो एक्टिव नहीं उतना रह पाती है मेरे हिसाब से। तो आपको अपनी प्रेगनेंसी को अगर एक्टिव अगर आपको रखना है, आप बिल्कुल ही एक्टिव रहो, तो कुछ चीज़ों को जो सेलेक्टिव टॉपिक्स होते हैं आज मैं इस वीडियो में शेयर करूँगी कि आपको उन चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए। तो आगे वीडियो स्टार्ट करेंगे, आपको इस वीडियो में फुल जानकारी मिलेगी। सर, अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर से हिट करिए, क्योंकि आने वाली वीडियोस की गाइस अपडेट आपको तभी मिलेगी। क्या होता है कि जब आपकी प्रेगनेंसी चल रही होती है, आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली, आपके हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से आप थिंक बहुत ज़्यादा करने लगते हो, क्योंकि न्यू मेम्बर घर पर आने वाला होता है, तो आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें नॉर्मली है सोचना, उसके बेबी के फ्यूचर के बारे में सोचना, अपनी लाइफ स्टाइल के बारे में सोचना। सोचना इज़ राइट, बट ओवर थिंकिंग करना इज़ बिल्कुल ही गलत। आपको बहुत ज़्यादा इतना ओवर थिंक बिल्कुल भी नहीं करना है। कई लोग जॉइंट फैमिली के साथ में रह रहे होते हैं, है ना, तो उनको काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, क्या करना पड़ रहा है, हमें आराम नहीं मिल रहा है। कई लोग ऐसा कमेंट भी आता है कि हमें आराम नहीं मिल रहा है, हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो कई लोग का ये प्रेशर होता है। कई लोग का ऐसा होता है कि हम अकेले रहते हैं और तभी भी हमें आराम नहीं मिलता है, हमारा बेबी हो जाएगा तो हम कैसे क्या चीज़ें मैनेज करेंगे। तो हर किसी के साथ में सिचुएशंस अलग होती है, हर किसी का टॉपिक अलग है, और हर किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स वगैरह है। कई लोग का ये होता है कि हमारी नॉर्मल डिलीवरी होगी या नहीं, हमसे हमारा शी सेक्शन हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, बेबी जेंडर को लेकर काफ़ी ज़्यादा लोगों में तनाव रहता है। तो ये कुछ सेलेक्टिव टॉपिक्स होते हैं जिनके ऊपर ना वुमेंस हो चाहे उनके घर के फैमिली मेम्बर्स हो, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ वगैरह क्रिएट करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है ना, उन वो उस टाइम पे वैसे ही सेंसिटिव और भी ज़्यादा हो जाती है, बॉडी हो, मेंटली हो, फिजिकली हो, जैसे भी हो, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है। उनके सामने अगर आप कोई अगर हंसी मजाक भी अगर ऐसा हो तो बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो जाती है, क्योंकि उस टाइम पे उनका एक ऐसा दौर ही चल रहा होता है। तो बेसिकली घर वालों को, अगर कोई घर वाले ये वीडियो देख रहे हैं, आप उनके साथ में ये वीडियो जरूर से शेयर करना, ताकि आप लोग को थोड़ी सी समझने में आसानी हो जाए, क्योंकि एक प्रेग्नेंट वुमन वैसे ही काफ़ी ज़्यादा अंदर से इमोशनल होती है इस टाइम पे, और भी ज़्यादा हो जाती है। और आप उनके सामने में ऐसी कोई भी एक्टिविटी ना करें जिससे उनको थोड़ा सा भी दुख हो, हर्ट हो, इस तरीके की कोई चीज़ें हो। ये सारी चीज़ें नेचुरल है, लाइक अगर कोई बेबी जेंडर को लेके ही सोच रहा है उनके फैमिली में तो, लेकिन अगर किसी का फर्स्ट बेबी है वो ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी थिंक नहीं करेगा, है ना। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें होती है, आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं सोचनी, आपको एक्टिव जितना हो सके रहना है। अब आप एक्टिव कैसे रह सकते हो, फर्स्ट चीज़ कोई कुछ भी बोल रहा है, आपकी नॉर्मल डिलीवरी होनी है नहीं होनी, आप काम क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो ज़्यादा कर रहे हो, आपको इन सारी चीज़ों को इग्नोर करना है, आपको सुनना ही नहीं है, ठीक है। आपको मस्त रहना है खुद के साथ, अपने बेबी के साथ, ठीक है। दूसरा चीज़ कि आपको डॉक्टर के साथ में 9 मंथ एकदम टाइम टू टाइम कनेक्ट रहना है, जिससे क्या होगा कि आपको पता चलता रहेगा कि आपकी हेल्थ पे क्या बदलाव हो रहे हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं, बेबी को किस चीज़ की नीड है, ज़्यादा खाने की आपको ज़रूरत है, वेट कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, इस चीज़ पे आपको मतलब फिजिकली आपको पता रहेगा कि नहीं, आपका फिजिकली बिल्कुल ही ठीक है। और अगर मेंटली तौर पे, जैसा कि मैंने आपको कहा, मेंटली प्रेशर नहीं लेना है, इग्नोर करनी है सारी चीज़ें, राइट। आप बिल्कुल जब इग्नोर करने लग जाओगे, आप देखोगे कि आप बहुत ज़्यादा हैप्पी रहने लग जाओगे। आप रिलैक्स वाले जितने भी सॉन्ग्स होते हैं, रिलैक्सिंग सॉन्ग वगैरह भी आप सुन सकते हो, साथ ही साथ में ज़रूर से थोड़ा सा नाइट वॉक करिए, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। सुबह उठ के थोड़ा सा वॉक करिए, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। पानी बहुत ज़्यादा इंटेक करिए, जो कि आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ देगा, ब्रीदिंग में हो, ऐसे बेबी को हो, खुद में हो, स्किन में आपकी ग्लो करेगी, क्योंकि इस टाइम पे आपको पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा करना चाहिए। और अगर पानी का आप इंटेक बहुत ज़्यादा करोगे तो डेफिनेटली आप वैसे भी अच्छे लगते हो, और पानी के इंटेक से आप और भी अच्छे लगने लग जाओगे। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको करनी है। बाकी ओवरऑल जहां आपको ट्रैवल करना है, जैसी जगह पे जाना है, फोटोशूट कराना है, मैटरनिटी वगैरह शूट करवानी है, तो इस तरीके की आप एक्टिविटी वगैरह 9 मंथ में कर सकते हो, जो कि आप ज़रूर से करिए। कुछ ऐसी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहिए, लोगों को देखिए,
पॉजिटिव लोगों को देखिए, नेगेटिव लोगों को बिल्कुल भी मत देखिए। पॉजिटिव लोगों को देख के पॉजिटिव सोचिए, सिर्फ नेगेटिव चीज़ों को जितना भी सोचना है, अगर आपके सराउंडिंग एरिया में भी ऐसी कुछ एक्टिविटी हो रही है उनको बस इग्नोर करना आप स्टार्ट कर दो और खुद एक्टिव रहना स्टार्ट अप करो, देखो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और बहुत एक्टिव रहने का बहुत ही एक अच्छा सोर्स मैं आपको लास्ट चीज़ बताने जा रही हूँ, मेडिटेशन। ठीक है, आप एक घंटा निकाल लो, मॉर्निंग का टाइम निकाल लो या फिर रात का टाइम निकाल लो, मेडिटेशन ज़रूर से करिए, जो कि आपको बहुत बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग मोड पे ले जाएगा और आप बहुत अच्छा महसूस करोगे। ये चीज़ ज़रूर से करिए, एकांत में बैठ जाइए जहाँ पे शांत एरिया हो और बिल्कुल ही आप ज़रूर से इस चीज़ को करिए। अगर कुछ लोग योगा करते हैं, कुछ वुमेंस ऐसी होती हैं जो कि 9 मंथ कंटिन्यूसली योगा करती हैं, एक्सरसाइज वगैरह करती हैं, अगर आप उनमें से नहीं हो तो आप ज़रूर से मेडिटेशन करिए, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा ये सारी चीज़ें करने से। कुछ डे करोगे आप, अब देखोगे आप में कितना अच्छा बदलाव आ रहा है। इस टाइम पे मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ये होना ही है, लेकिन आपको खुद में कंट्रोल करना होगा। ये सारी चीज़ें नॉर्मल है, सबके साथ होती है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा नहीं करना है, हो भी रहा है बस आपको इसी वजह से मैंने कहा कि आप मेडिटेशन करो। अगर कई लोगों को ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, मेडिटेशन करिए आप, आपके साथ में सारी चीज़ें नॉर्मल होंगी। और जितना हो सके अगर फैमिली के साथ रहते हैं वो ज़रूर से अपने फैमिलीज के साथ में टाइम स्पेंड करिए। फैमिलीज के साथ में टाइम स्पेंड करने से कई बार माहौल जो होता है हंसी मजाक का हो जाता है और आपको अच्छा अच्छा फील होता है, तो इस वजह से जो अकेले रहते हैं वो इस चीज़ को मिस कर जाते हैं। लेकिन अगर आप फैमिली में रहते हो तो इस चीज़ का फ़ायदा ज़रूर से उठाइए। और इसी वजह से मैंने कहा कि इस वीडियो में आपको खाने पीने के बारे में या और किसी चीज़ के बारे में आपको नहीं, क्योंकि मेंटली प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा फिजिकली भी होता है, क्योंकि आप ना थके हुए बहुत ज़्यादा महसूस करते हो इस दौरान पे। तो ये सारी चीज़ें जब आप करने लगोगे आप खुद में महसूस करोगे कि आप जो है थकावट आपको कम हो रही है। एक तरफ से वो तो नेचुरल है ही कि आपको थकावट होगी, कमजोरी होगी, ये तो एक है, प्रेगनेंसी का हिस्सा होता है कि प्रेगनेंसी में कमजोरी आना, थकावट आना, उसके लिए हमें खाना खाना पड़ेगा। लेकिन ये कुछ चीज़ें करने से हम मेंटली तौर पे बहुत ज़्यादा मजबूत रहेंगे। तो आज की वीडियो थी ये गाइस, आई होप इससे आपको थोड़ा सा भी हेल्प मिल सके। इसमें से कोई भी चीज़ अगर आप फॉलो करते हो तो बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए, और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़रूर से शेयर करिएगा। मिलते हैं ऐसे किसी अपनी अच्छी से नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर।